Havanı titraja bile ki bazı çönce hört Hattını yandacak mı? Farnende hep de kört Gasolin afallar renkli hatta ve tibuzeyan rengi de हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है सनम शेख ब्लॉग्स। उम्मीद करता हूँ एक बार फिर से आप सब बढ़िया मस्त और स्वस्थ होंगे। तो यार, मैंने जैसे आपको कल बताया था कि मुझे रात को इमरान के घर रुकना पड़ा था, लेट हो गया था, मैंने गाड़ी वगैरह अपनी लाई नहीं थी। तो अभी फिलहाल वापस रेडी हो गया, हम निकल रहे हैं। तो टाइम लगभग 10 बजे के करीब है, अब निकलता हूँ मैं घर के लिए। मैंने सोचा चलो यहीं से ब्लॉग स्टार्ट कर लेता हूँ और फिलहाल यहाँ से अब निकलते हैं। हमारे जो भाई हैं साथ में, अमजद वगैरह जो साथ में थे, दो राइडर, वो भी निकलेंगे यहाँ से, उन्हीं के साथ जाऊँगा मैं घर। भाई साहब चलो निकल चुके हैं इमरान के घर से, माशाल्लाह स्टूडेंट, ए बॉय। शेख साहब कैसा लग रहा है आपको, कॉलेज जाते हो अब? जब क्या बात है यार, चले यार गली से निकले बाहर, बंदे वेट कर रहे हैं हमारा। आज इमरान ने बाइक भी नहीं लाई है, बोले से ऐसे जाऊंगा। भाई बंदे हमारे ये वेट कर रहे थे, मेरे सामने विकी भाई, उसके साथ मैं नहीं बैठूंगा यार वो बंदा हालत खराब करता है। राइड हो चुकी है स्टार्ट हमारी, लेकिन ये छोटी सी राइड है यार, यहाँ पे मुझे खाली घर तक पहुँचना है और इमरान को जाना है कॉलेज। ये भाई साहब हमारे पुंछ की गलियाँ, खूबसूरत खूबसूरत, थोड़ी टाइट है लेकिन चलेगा। और ये पहुँच चुके हैं भाई साहब अपनी मार्केट में, मेन मार्केट पुंछ सिटी। सुबह सुबह यार यहाँ पे आमतौर पे रश कम ही होता है, इतना ज़्यादा होता नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल 10:30 के करीब है तो थोड़ा बहुत आपको दिख ही रहा होगा। यार जो भी हो हमारी पुंछ सिटी है बहुत खूबसूरत, मतलब थोड़ा पहाड़ी इलाका है जो भी है, लेकिन डेवलपमेंट अभी होनी बाकी है। और बहरहाल जो भी, लेकिन यार खूबसूरती माशाल्लाह बहुत है पुंछ में, चाहे मार्केट हो चाहे नेचुरल खूबसूरती हो, लेकिन वो जो ब्यूटी है वो बिल्कुल यार हमारे पुंछ में लाजवाब। अरे भाई साहब, मार्केट में गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल होता है, बाइक यार जब रश होता है यहाँ पे बहुत ज्यादा उस टाइम यार, मतलब किसी टाइम भी कहीं से भी यार लोग आ जाते हैं, टपक पड़ते हैं आगे, तो बहुत अलर्ट रह के यहाँ पे गाड़ी चलानी पड़ती है। बट अभी फिलहाल फिर भी थोड़ा रश कम है। तो भाई यार ये पहुंच चुके हैं हम अपनी नाखों वाली रोड, फेमस रोड। यार सर्दी में जब धूप निकलती है यार, उस टाइम बहुत ही अच्छा लगता है, सुकून आता है, क्योंकि ठंड में बंदे की जब हालत ख़राब होती है ना, तो उस टाइम जब धूप निकलती है बंदा एकदम रिलैक्स हो जाता है यार। वही इस टाइम सिचुएशन है, मार्केट में बिल्कुल ठंड थी, धूप नहीं थी, तो यहाँ पे धूप में निकल के बहुत अच्छा लग रहा है यार। पता नहीं विकी भाई कहाँ गए यार, अंजिल भाई कुछ पता कहाँ जा, कहाँ गए? अच्छा अच्छा कॉलेज में, जो साथ वाला बंदा था यार विक्की, उसको लेने अभी कॉलेज के बाहर जाना पड़ेगा, चलते हैं वहाँ से उसको लेके उसके बाद निकलते हैं। कहाँ यार विक्की भाई, कहीं कुछ ठीक करवाने के लिए यहाँ घुसा है बस स्टैंड। अच्छा ये रहा हमारा विक्की भाई, क्या बात है सोनू टेपिंग। सब भाई साहब हम निकल रहे हैं घर के लिए, एक्चुअली यार थोड़ा काम पड़ गया था, फिर हमें वापस ऊपर वाले रास्ते से निकलना पड़ा, लेकिन अब यहाँ से सीधा डायरेक्ट घर ही चल रहा है। लेकिन है थोड़ी सी घर तक ही, बट मजा आने वाला है। ओ भाई साहब उस बाइक के नजारे यार, यार एक चीज है ऐसी रोड पे ये बाइक चलाने के लिए आ रही है, क्योंकि रोड पूरी हाईवे नहीं है, सिंगल रोड है, लेकिन जो भी हो मजा आता है, बस इतना होना चाहिए यार बंदे के, बस राइडिंग गियर्स होने चाहिए पूरे। तो मैंने कल भी ब्लॉग में आपको बताया था, जैसे बड़ी गाड़ियां भी आती है उस रोड में भी यही कंडीशन है, यहाँ पे भी यही कंडीशन है, तो बड़ी गाड़ियां भी ऐसे ही। ओ भाई साहब ओ
भाई साहब, ओहो ये खतरा होता है यार एकदम मोड़ में से जब गाड़ी आ जाती है। ओ भाई साहब, ओ गया विक्की भाई। यार क्या मजा आ रहा है यार, मजा आता है यार, लेकिन ऐसी लेनी तो लगातार करनी नहीं चाहिए। ओ भाई साहब, खासकर मोड़ों में ध्यान रखना चाहिए, स्पीड स्लो कर लेनी चाहिए, और स्पोर्ट्स बाइक जो होती है उनकी वैसे भी स्पीड थोड़ी लेकिन तगड़ा होता है, लेकिन मोड़ों में खास ख्याल रखना चाहिए यार। ये देखिए यार, यहाँ पे अगर हाईवे होती तो ब्रेक की जरूरत नहीं थी, लेकिन यार रोड सिंगल है उसकी वजह से थोड़ा दिक्कत आती है। और अभी वो बाद में लगेंगी, बाद में अभी डलवाए ना वो। फाइनली मैं घर पहुंच चुका हूँ, थोड़ा नीचे काम था इसलिए मुझे रुकना पड़ा, उसके बाद अभी मैं घर पहुंचा हूँ। तो कहीं और जाने की प्लानिंग थी नहीं, तो मैंने सोचा चलो जो ये ब्लॉग है यहीं पे एंड कर दूँ, नहीं तो मैं इसको थोड़ा और लंबा करता, लेकिन चलो बहरहाल मज़ा आया मुझे। तो मैं भी ऐसे सोच रहा हूँ, मैं भी अपने लिए कोई इन फ्यूचर ऐसी बाइक लूँ जिस पे राइड वगैरह करूँ और मोटो ब्लॉग्स वगैरह बनाऊँ, ताकि आपको भी नई नई जगह देखने को मिले, नई नई टिप्स वगैरह लगाएं। तो यार इंशाल्लाह मेरी भी ये विश है, तो आप ऐसे ही अपनी स्पोर्ट बनाए रखें ताकि जल्दी से मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए, उसके बाद इंशाल्लाह देखते हैं इन फ्यूचर कभी भी अपने लिए कोई बाइक लेंगे तो उसके लिए आपको सपोर्ट करना पड़ेगा यार, और ज़्यादा मेरी वीडियोस शेयर करनी पड़ेंगी सबके साथ, ताकि और ज़्यादा मेरे चैनल के साथ बंदे जुड़े और इंशाल्लाह जल्दी तरक्की हो। तो उसके बाद थोड़ी नई नई गैजेट्स लेंगे, नए नए जो गियर्स लेंगे अपने जो व्लॉगिंग के लिए। तो ऐसे ही यार अपना प्यार बनाए रखें और अपनी सपोर्ट बनाए रखें। तो यार अब मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए जो मेरे नए व्यूअर्स हैं प्लीज़ यार मेरा चैनल सब्सक्राइब करके जाएं और साथ में बेल आइकन भी दबा दें, और वीडियोस को लाइक भी कर दें और कमेंट करके बताएं कि व्लॉग कैसा लगा और आगे व्लॉग कैसे देखने पसंद करते हो, तो प्लीज़ यार ये चीज़ मेंशन करें। तो अब मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।